बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्यूमिन के किचन में आपको खुश आमदेद करते हैं एक दफ़ा फिर। आज जो रेसिपी हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है शकरकंदी का हलवा। शकरकंदी जो नॉर्मल मिलती है उसको बॉईल करके छील के इस तरह से रख दिया। अब आपको बताएंगे कि ये किस कंडीशन में जाएगी, ये कद्दूकश होगी उसके वक्त दिखाते। और इसमें जो इन्ग्रीडियंट जाएंगे वो देख लीजिए आप, ये 1 टेबल स्पून क्रश कोकोनट जो सूखा नारियल मिलता है, और 1 टीस्पून या थोड़ी सी समझ लें 10 से 12 अदद किशमिश ले लीजिए छोटी वाली। ये वॉलनट्स हैं, इनको हमने क्रश कर लिया है, चॉप कर लिया अच्छे से। ये है तकरीबन 3 से 4 अदद, 4 से 5 अदद बादाम है। ये 1/2 कप मिल्क है इसमें, जो ताज़ा डेयरी का हमारा दूध होता है, मिल्क पैक, और इस तरह का कोई दूध मत यूज़ कीजिएगा। ये घी है, असली घी है, आप चाहें तो इसमें कोई और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बनस्पति घी या इस तरह की कोई भी चीज़। और तेल में मत बनाइएगा, उमूमन हलवे घी में ही अच्छे लग रहे होते हैं। ये चंद दाने इलायची के हैं, छोटी इलायची के दाने। अच्छा, इसमें हम चीनी यूज़ नहीं करेंगे, ये शक्कर है, 1 कप हमने शक्कर लिए, नॉर्मली शक्कर जो मिल रही होती है ये उस तरह की शक्कर है, ठीक है। चलो इंग्रेडिएंट हो गए, अब हम आपको बताते हैं कि इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हलवे के लिए। अच्छा, ये दिखा दूँ, मैंने आपको जो बताया था, जो हमने शकरकंदी ली थी उसको हमने इस तरह से ये श्रेड कर लिया। इसको आप कद्दूकश कर लीजिए तो ये आराम से कद्दूकश हो जाएगी, ये बॉयल्ड हुई। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं। घी हमने आपको जो बताया था ये आपने इसमें लिया कढ़ाई में, आज अभी हमने बिल्कुल लो रखी हुई है, ये हल्का सा हमने घी को जब मेल्ट होकर आएगा उस वक्त हम ये इसमें इलायची के दाने डालेंगे। इसको हल्का सा हम कड़कड़ाएंगे, थोड़ा सा घी में इसका फ्लेवर आ जाए। ये 1 कप घी है, आप चाहें तो इससे कम भी कर सकते हैं, बढ़ाइएगा नहीं इससे, हलवे बहुत सारा घी ले लेते हैं अपने अंदर और फिर वो बाद में जो है वो हैवी हो जाते हैं। ये 1 पाव की शकरकंदी कद्दूकश करके, बॉयल करके कद्दूकश करके ये हम उसको ज़रा सा कड़कड़ाते हैं। जैसे ये कड़कड़ाने पर आएगी तो हम इसको में ये जो किशमिश है ये डालेंगे ताकि इनका जो कलर है ना उसमें वो बहुत अच्छा सा हो जाए। इसके साथ ये देखिए हल्का सा किशमिश को इसमें सौते करना है, बिल्कुल फुल ब्राउन नहीं करना हमने, हल्का सा इसमें जैसे ही कलर आना शुरू होगा देखा आपने, सारा जो उसका फैट था घी था वो सब इसने जज्ब कर लिया। इसको हम हल्का सा भूनेंगे जब तक कि ये हमारा थोड़ा और सॉफ्ट हो जाएगी और कलर भी चेंज कर देगी, फिर हम आपको बताते हैं कि ये इसमें हम और क्या चीज़ें शामिल करेंगे। जब तक हम इसको भूनते कलर चेंज करते, कलर चेंज कर रहे हैं हम इसका भून के लगेगा। अब इस टाइम पर हम इसको शक्कर डालेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप जो हमने आपको क्वांटिटी लिखवाई है। ये गुड़ इस्तेमाल कीजिएगा व्यूअर्स, गुड़ के बहुत सारे फ़वाद भी हैं और गुड़ जो है वो टेस्ट में भी बहुत अच्छा हलवों को टेस्ट देता है। इसमें शक्कर जाएगी, चीनी जाएगी, उसमें हम आपको बताएंगे, कोशिश हमारी होगी कि हम आपको ज़्यादातर शक्कर का बताएँ कि शक्कर से किस तरह से हलवे तैयार होते हैं। आप देखें कलर भी बहुत अच्छा आएगा इसका, आ रहा है ये जब इस टाइम पर होगा। अब हम इसमें ये 1/2 कप दूध शामिल कर दें। अब ये हम फ्लेम को स्लो कर देंगे ताकि जो शक्कर में थोड़ी सी रोटियाँ या इस तरह से ये बन जाए, ये इसमें घुलती भी जाएगी और ये कुक भी हो जाएगा। बिल्कुल नेचुरल चीज़ों से हम आपको चीज़ें बताते हैं ताकि आप इसको बनाएं, कोई आप ऐसी चीज़ इस्तेमाल ना करनी पड़े और बच्चों को और घर वालों को हेल्दी चीज़ भी मिले। ये देखिए अच्छे से भुन गया इसको, और इसको तकरीबन 10 मिनट हमें बस लगे और ये हलवा हमारा प्रिपेयर हो गया, बेहतरीन किस्म का हलवा, सर्दियों की सौगात शकरकंदी का हलवा, बच्चों बूढ़ों जवानों सबके लिए बेहतरीन।
और एक चीज़ और है शक्करकंदी के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये जो है ना मसल्स जिनकी वीक हो और जिनकी बॉडी जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो उनके लिए ये बेस्ट है। हलवा ना हो, शक्करकंदी वैसे बॉयल करके खा लें अगर हलवा नहीं बनाना चाहते, लेकिन बच्चों को तो मेरी सजेशन है कि आप ज़रूर दीजिए सीज़न में जितना हो सकता है, क्योंकि बच्चों के ब्रेन सेल्स इससे बहुत अच्छे बनते हैं, बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, उनकी मसल्स बहुत स्ट्रांग होती हैं, कैल्शियम होता है इसमें बहुत। और बाकी जो इसमें चीज़ें हम डाल रहे हैं, मेवा जात डाल रहे हैं, वो आपको पता है वो भी दिमाग के लिए सब बहुत अच्छे होते हैं। और इस चीज़ इस तरह से बच्चे बहुत सारी चीज़ें खा लेते हैं, हो सकता है शक्करकंदी वो वैसे ना खाएं लेकिन हल्के हलवे के फॉर्म में वो खा लें। ठीक है, अब इसको हम बताते हैं कि इसको प्रेजेंट कैसे करना है। बस ये हो गया, हमने चूल्हा बंद कर दिया, ये बिल्कुल तैयार है। अब हम बताते हैं इसको प्रेजेंट कैसे करना है। अब इस तरह से हमने इसको निकाल के आपने देखा इस डिश में इसको सेटल कर दिया। अब ये चाहें तो आप इसकी कतलियाँ काटें, आप चाहें तो इसको इस तरह से डेकोर कर दीजिए। अभी चूँकि गर्म है ये तो कोकोनट ऑयल जो है उसने जस्ट कर लिया। ये वॉलनट्स डालिए इसमें, जितने वॉलनट्स होंगे सीज़न में है बहुत अच्छे लगते हैं, बच्चे इस बहाने खा लेते हैं, कुछ लोग बड़ों को भी वॉलनट्स पसंद नहीं होते, लेकिन ये हमने कश्मीर से हमें लोगों ने भेजी कश्मीर की सौगात ख़ास तौर पे, तो ये वॉलनट्स कुछ बहुत ही मज़ेदार हैं। और मैं ख़ुद वॉलनट्स इतने शौक से नहीं खाती, लेकिन ये वाले जो हैं ये मुझे भी अच्छे लग रहे हैं, उनमें ज़रा भी ही कुछ नहीं होता। ये हमने छिलकों के साथ आए थे, तोड़े हैं आपके लिए और आपको दिखाने के लिए कि कितने इसमें अच्छे लग रहे हैं। ये हमने कटे हुए थोड़े से बादाम स्प्रिंकल कर दिए इसमें। कश्मीर से याद आया कि किसी दिन आपको हम कश्मीर के गुश्ताबे और कश्मीर की चाय और कश्मीर की ख़ास एक लोबिया दाल बनती है लोबिया से, तो वो भी सिखाएंगे। इस तरह से आप इसको स्प्रिंकल कर दीजिए। डेकोरेशन देखिए आप अपनी मर्ज़ी से जैसे दिल चाहे करें, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है ना, तो मैं दोबारा स्प्रिंकल करती हूँ क्योंकि ऑयल होने की वजह से थोड़ा सा उसकी वो चीज़ खूबसूरती आई है। ये देखिए, आप कोशिश करिए बाज़ार की चीज़ें ख़रीदने से बेहतर है कि आप घरों में इस तरह से जो हमारे ट्रेडिशनली होते थे पहले कि हलवे वगैरह घरों में बनते थे, बहुत तरीके के हलवे हम आपको सिखाएंगे। शक्करकंदी अभी भी और सारी सब्ज़ियों से काफ़ी चीप पड़ती है, बच्चों को आप इस तरह दें तो उनको कुछ नहीं पता चलेगा, थोड़ी सी मेहनत से चीज़ बहुत खूबसूरत हो जाती है। ठीक है, ये देखिए तैयार हो गई हमारी डिश शक्करकंदी का हलवा। मिलते हैं आपसे फिर एक नई रेसिपी के साथ। एक यू मील के किचन से हमें इजाज़त दीजिए, खुश रहिए, अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए, अच्छा खाइए। ईट हेल्दी फील हेल्दी।